हैरी मिनाटी बिग बॉस का हिस्सा है क्या? इस तरह की खबर फैला के शो के मेकर्स अपने शो की पॉपुलैरिटी बटोरना चाहते थे क्या? ये एक पब्लिसिटी स्टंट था, क्योंकि कल जब ये खबर आई सभी जगह ये खबर थी कि कैरी मिनाटी मुंबई आ चुका है, वो मुंबई के ही एक होटल में क्वारंटीन में है और जल्द ही बिग बॉस के घर में उसकी एंट्री होगी। शाम को ट्विटर पर कैरी मिनाटी काफ़ी ट्रेंड कर रहा था, उसके फैंस ने उसको ट्रॉल करना शुरू कर दिया क्योंकि कैरी मिनाटी ने अपने एक वीडियो में बिग बॉस शो को भी रोस्ट किया था और उसी शो की क्लिपिंग्स को शेयर करते हुए लोगों ने कहा कि कैरी मिनाटी ने ये करके डबल स्टैंडर्ड शो किया है, जहां एक तरफ वो अपने वीडियो में बिग बॉस को रोस्ट करता है, वहीं दूसरी तरफ अब वो खुद इस शो का हिस्सा बनने जा रहा है। ऐसे में कुछ ये भी रिपोर्ट सामने आए कि कैरी मिनाटी मुंबई में है ही नहीं, वो तो अभी भी फरीदाबाद में ही है। आपको बता दें कि कैरी मिनाटी बिलोंग्स टू फरीदाबाद और कल शाम को वो अपने चैनल पर लाइव थे, तो अगर वो मुंबई के होटल में क्वारंटीन में है तो फिर वो लाइव कैसे आ सकते हैं? इनफैक्ट एक वीडियो भी कैरी मिनाटी का वायरल हो रहा है जिसमें उनसे उनके एक फैन ने पूछा है कि क्या आप बिग बॉस 14 में जा रहे हैं, तो कैरी मिनाटी ने कहा कि कहीं नहीं जा रहा हूं यार, तुम लोग जबरदस्ती क्यों भेज रहे हो। अभी तक इस बारे बिग बॉस के मेकर्स की तरफ से कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है, लेकिन ऑनलाइन रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कहा जा सकता है कि कैरी मिनाटी बिग बॉस का हिस्सा नहीं है। तो फिर ये खबर कैसे वायरल हुई? सभी जगह ये खबर थी कि कैरी मिनाटी इस वक्त मुंबई में है, होटल में क्वारंटीन में है। इतनी प्रिसाइज्ड और इतनी कंफर्म्ड रिपोर्ट्स कैसे आई, ये वाकई में एक सोचने वाली बात है। इनफैक्ट बिग बॉस को लेकर कैरी मिनाटी का तो क्लैरिफिकेशन आ भी गया, जैसे ही सोशल मीडिया पर कैरी मिनाटी को उनके फैंस ट्रोल करने लगे और हिपोक्रेट कहने लगे, तब कैरी मिनाटी ने ट्विटर पर, जिनका नाम अजय नागरे भी है, उन्होंने शेयर किया कि वो बिग बॉस का हिस्सा नहीं बन रहे हैं और ऐसी किसी भी खबरों पर बिलीव नहीं करें। अब सवाल ये है कि अगर कैरी मिनाटी का बिग बॉस से लेना देना ही नहीं है तो ये खबर उड़ाई किसने? क्या वाकई में ये काम पब्लिसिटी के लिए किया गया? वो शो जो इतना ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, वो शो जिसे इतने लोग अब तक पसंद करते थे, अब ऐसा क्या हो गया कि शो को पब्लिसिटी दिलवाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाने पड़ रहे हैं? क्या ये बॉलीवुड के खिलाफ जो हवा चल रही है उसके चलते तो नहीं किया गया है? आप ही बताइए कमेंट सेक्शन में।